रॉकेट इंजन के लिए इसरो ने कार्बन से बनाया हल्का नोजल। बढ़ेगी रॉकेट की ताकत, वजन उठाने की क्षमता में होगा इजाफा। अधिक तापमान में भी कारगर, बंगलुरु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट इंजन तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन से बेहद हल्का नोजल बनाया है। इसरो के मुताबिक इस नोजल से रॉकेट इंजन की ताकत बढ़ेगी और पेलोड उठाने की क्षमता में इजाफा होगा। इसरो के मुताबिक कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना यह नोजल उल्लेखनीय विशेषताओं से भरा है। नवोन्मेषी नोजल रॉकेट इंजन के वाइटल पैरामीटर के प्रदर्शन में सुधार करेगा, जिससे थ्रस्ट लेवल इम्पल्स और थ्रस्ट टू वेट रेशो शामिल है। ग्रीन कंपोजिट के कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर केमिकल वेपर इनफिल्ट्रेशन और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट के जरिए कम घनत्व लेकिन उत्कृष्ट कठोरता वाला यह नोजल ऊंचे तापमान पर भी निश्चित उच्च शक्ति के साथ सभी यांत्रिक गुणों को बनाए रखने में सक्षम है। इसकी खासियत इसकी सिलिकॉन कार्बाइड एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग है, जिससे ऑक्सीडाइजिंग के दौरान भी इसकी संचालन सीमाएं बढ़ जाती हैं। नई तकनीक से इंजन पर ताप जनित दबाव तो कम होता ही है, साथ ही क्षरण के प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। सबसे पहले PSLV में होगा इस्तेमाल। इसरो इस नोजल का इस्तेमाल अपने वर्क हॉर्स कहे जाने वाले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के इंजन में सबसे पहले करेगा। फिलहाल PSLV के चौथे चरण के ट्विन इंजन में कोलंबियन एलॉय से बने नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। नए नोजल से वजन में 67% की कमी आएगी, जिससे PSLV 15 किलो का अतिरिक्त भार उठा पाएगा। चरणबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण। इसरो ने बताया कि 19 मार्च को तमिलनाडु स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में नए नोजल के साथ इंजन की सिस्टम परफॉर्मेंस और हार्डवेयर इंटेग्रिटी को परखा गया। 60 सेकंड के इस टेस्ट में नए नोजल के साथ इंजन से अपेक्षित परिणाम मिले। इसके बाद 2 अप्रैल को 1216 केल्विन 942 सेल्सियस तापमान के साथ 200 सेकंड तक नोजल का हॉट टेस्ट किया गया।